कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हो भाग 2 वित्तीय विवरण। इसके पहले अपन ने व्यापार क्या है, व्यापार की स्थिति, मतलब इसकी व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण और चिट्ठे के बारे में पढ़ा। और इसके बाद अपन ने व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में अंतर पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे तलपट और चिट्ठी में क्या अंतर होता है। तो तलपट और चिट्ठी में अंतर, तो तलपट बनाने का उद्देश्य होता है, तलपट बनाने का उद्देश्य होता है गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना। तो जो अपन ने तलपट बनाया है उसमें गणित संबंधी जांच, मतलब शुद्धता है उसकी जांच के लिए। फिर इसी प्रकार आपको बताऊं चिट्ठी का उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति। जो व्यापारिक चिट्ठा बनाते हैं उसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने, मतलब उसका उद्देश्य होता है, चिट्ठा बनाने का उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति की जानना। उसका पक्ष, मतलब ये भी तलपट भी दो पक्ष में होता है, विकलन और समाकलन। ऐसे ही संपत्ति, जो चिट्ठा होता है वह कैसा बनता है, संपत्ति और दायित्व, उसमें संपत्ति और दायित्व पक्ष होते हैं। तलपट की अवधि कैसी होती है, वह एक निश्चित अवधि में बनाया जाता है। और इसी प्रकार चिट्ठा भी जो होता है वह भी एक निश्चित अवधि में, तलपट बनेगा वह एक निश्चित अवधि में बनाया जाता है। और इसी प्रकार जो चिट्ठा है वो भी आपका जो बनेगा वह निश्चित अवधि में बनेगा। उसके बाद इसमें खातों के शेष, इसमें समस्त खातों के शेष लिखे जाते हैं। जो तलपट होता है उसमें आप जो भी खाता बनाओगे तलपट में जो शेष बचता है उसको आप लिख, मतलब वो सब लिखे खाते में लिखे जाते हैं। इनमें केवल व्यक्तिगत और वस्तुगत खाते के लिखे जाते हैं। फिर समायोजन, इसके बाद समायोजन किया जाता है और इसे बनाने के बाद समायोजन संभव नहीं है, मतलब जो चिट्ठा बन जाता है उसमें समायोजन की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो तलपट होता है इसमें बनाने के बाद भी समायोजन किया जा सकता है। फिर इसकी तलपट बनाना आवश्यक नहीं है, जो तलपट है उसको बनाना आवश्यक नहीं है और चिट्ठा बनाना जो है वह अनिवार्य होता है। उसी प्रकार हो गया चिट्ठी के कितने पक्ष होते हैं, चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व और दूसरा, चिट्ठी के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दायित्व और दूसरा संपत्ति। और दोनों पक्षों में लेखा क्रम अनुसार किए जाते हैं। फिर ऐसे ही संपत्ति दायित्व के दो, मतलब जो संपत्ति और दायित्व है उनको क्रम, मतलब क्रमानुसार दो आधार में किया जाता है। तो पहला है तरलता या द्रुतता क्रम और दूसरा है स्थायी व स्थिर क्रम। स्थायी मतलब स्थिर रहने वाला और तरलता या द्रुतता हुआ, तो तरलता या द्रुतता हुआ क्रम किसे कहते हैं। इस क्रम में, मतलब जो ये क्रम है, चिट्ठे के सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, संपत्ति को लिखा जाता है। इन्हें शीघ्र नगद राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी क्रम में इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब करते हैं, संपत्तियों को भी लिखा जाता है, मतलब जो तरलता या द्रुतता क्रम है इसमें शीघ्र नगद राशि जो है उसको परिवर्तित किया जा सके। इसी क्रम में संपत्ति को भी लिखा जाता है और दायित्व के क्रम को, जो दायित्व होते हैं उनके क्रम को निर्धारित करते समय भुगतान शीघ्र किया जाना है। इससे पहले इसी क्रम में क्या होते हैं, इस क्रम को क्या करते हैं, अन्य दायित्वों को भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो तरलता या द्रुतता क्रम उसमें आप संपत्तियों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और दायित्वों को भी कम से, मतलब क्रम क्रमानुसार निर्धारित करते हुए शीघ्र भुगतान किया जा सकता है। तो संपत्ति और दायित्व के नामांकन के आधार पर कितने आधार पर बांट सकते हैं, दो आधार पर, तो तरलता और द्रुतता क्रम। तो तरलता क्रम चिट्ठे बनाने के प्रारूप, जो तरलता क्रम है चिट्ठा है उसके आप ये प्रारूप देखोगे, उसके बाद इसी के अनुसार आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके जो गणित है, जो मैथ्स है, आपको जो हल के सवाल दिए गए हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चिट्ठा या तलपट जो भी, मतलब खाते आपको बनाने। तो जो तरलता क्रम है, तरलता क्रम में चिट्ठे का क्या प्रारूप है, जो तरलता क्रम में जैसे आप जैसे विकलन और समाकलन होता है उसी प्रकार तरलता क्रम में जो चिट्ठे या प्रारूप
है प्रारूप में, से पहले है ये आपका दायित्व पक्ष। तो दायित्व पक्ष में तो इसके बाद आपका एक कॉलम बनेगा रकम पर, तो इसमें फिर एक तरफ बनेगा आपका संपत्ति का कॉलम बनेगा, और फिर वैसे भी जैसे कि आपकी दायित्व की रकम है वो उसका कॉलम बनेगा। तो धन बैंक अधिविकर्ष, तो सबसे पहले तरलता जो क्रम है उसमें आपको एक गणित, अगर आप नेक्स्ट वाले पीरियड में अपन मैथ्स पढ़ेंगे तो गणित पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको बैंक अधिकर्ष मतलब जो बैंक में आपकी राशि है, फिर आपने जो दिया देय विपत्र उसके बारे में, ये आपके कार्यकुश पक्ष में आएंगे, दायित्व पक्ष में आएंगे। उसी प्रकार विविध उपकरण, माल के लिए आपने जो रोकड़ दी, ऋण के लिए और व्ययों के लिए, ये सब आपके क्या हो जाएंगे दायित्व में लिखे जाएंगे। उसमें फिर हो जाएगा अग्रिम आएगी, संचित निधि आएगी। तो इसमें आपको दो दायित्व है, अग्रिम आय और संचित आय और उसमें पूंजी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शुद्ध लाभ को प्लस करना है और शुद्ध हानि से क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। तो इस प्रकार, और उसके बाद जो आहरण है वो आहरण भी क्या करेंगे, शुद्ध लाभ से अपन को शुद्ध हानि और आहरण दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आपके दायित्व पक्ष में इतनी जो इंक्रीज है वो होंगे। तो सबसे पहले बैंक अधिविकर्ष हो गया, देवी पत्र हो गए, विधि उपकर्म उत्पन्न हो गए, और माल के लिए, ऋण के लिए, व्ययों के लिए, अग्रिम के लिए, और जो संचित निधि है मतलब जो अपनी जमा निधि है उसमें है ना, उसमें पूंजी, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि और आहरण। इसी प्रकार संपत्तियां हैं जो, उसमें हस्तरोपण हो गया, बैंक में रोपण हो गया, विनियोग हो गया, प्राय बिल पत्र हो गए, देनदारी हो गई, अंतिम स्कंध हो गए, स्टोरेज, उपसर्ग, उपस्कर और एक साथ स्वाधिकार जिसमें पशुधन भी होता है, विविध उपकरण हो गए। ये आपकी संपत्ति में क्या होगा, जो आपके पास हाथ में रोकड़ है ये आपकी संपत्ति होगी, जो आपकी बैंक में रोकड़ है वो संपत्ति हो गया, और जो विनियोग है वो आपकी संपत्ति है, और जो प्राप्त आपको बिल पत्र है आपकी देनदारी, अंतिम मतलब जो स्टोर में है, और आपके स्वयं स्वाधिकार पशुधन मतलब जो आपके पास पशु होंगे उसके उसकी, और विभिन्न उपकरण संयंत्र, वाहन, भूमि, भवन, और जो आपको ख्याति प्राप्त होगी, और उपार्जित आय और पूर्व दत्त व्यय, ये सब आय के अंतर्गत आएंगे, आपके संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। तो आप जो तरलता क्रम का चित्र बनाएंगे तो उसमें संपत्ति और दायित्व में आपको इतने सारे आपको जो इंक्रीज है आपको इस तरीके का प्रारूप बनाकर करना है। फिर है स्थायी या स्थिर, मतलब इसके बाद जो दूसरा है वह है स्थायी या स्थिर क्रम अनुसार। तो स्थायी या स्थिर क्रमानुसार इस चिट्ठे में सर्वप्रथम संपत्ति को क्या कर लिया जाता है, लिखा जाता है, मतलब जो स्थायी जो चिट्ठे बनते हैं या स्थिर क्रम चिट्ठे बनते हैं उस पर उसमें जो सर्वप्रथम संपत्तियों को लिखा जाता है, जो क्या होती है, स्थायी संपत्ति होती है, भवन, भूमि, पूंजी, मशीनरी, ये सब क्या है, स्थायी संपत्तियां होती है। संपत्तियों को लिखा जाता है जो एक मतलब कम स्थायी है। इसी प्रकार दायित्व में सर्वप्रथम दायित्व को सबसे पहले लिखा जाता है, इनका भुगतान सबसे अंत में करना, और जिसका भुगतान शीघ्र करना है उन दायित्वों को बाद ही लिखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रम तरलता क्रम के विपरीत है। तब जो दायित्व जब भुगतान शीघ्र करना है उनको दायित्व को सबसे बाद में लिखा जाता है, यह जो क्रम तरलता क्रम के विपरीत है। तो ये क्या हो गए, स्थायी या स्थिर क्रम अनुसार, ये आपकी इसका भी प्रारूप हुआ। तो स्थिर क्रम में जो दायित्व तक जो चिट्ठे बनते हैं उसमें आपको क्या लिखोगे, जो स्थिर क्रम, और जो आपके दायित्व है सबसे पहले दायित्व आएगा फिर संपत्ति। तो दायित्व में आपको दिया जाएगी पूंजी आ जाएगी, जो आपकी पूंजी है उसमें आपका जो शुद्ध लाभ आपको प्राप्त हुआ, शुद्ध लाभ में से आपको हानि आहरण क्या करने हैं, घटाने हैं। फिर उसमें संचित निधि आ जाएगी, विद्युत उत्पन्न आ जाएंगे, आदत व्यय आ जाएंगे, अनुपार्जित आय आ जाएगी, विपत्र आ जाएंगे और बैंक अधिकतर। तो जो स्थिर क्रम के अनुसार जो आपका चिट्ठा बनेगा उसमें दायित्व साइड में आपको स्थिर क्रम
मतलब जो अपने पास वाहन है, संयंत्र है और जो भी उपकरण है वो और विविध उपकरण जो अपन व्यवसाय के लिए उपयोग करते हैं वह विविध उपकरण भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद पशुधन हो गया, स्वाधिकार, अंतिम मतलब प्राय पत्र, पूर्व दत्त व्यय, अदत्त व्यय, विनियोग, स्टोर आदि, मतलब जो अधिकोष रोकड़ है, हस्त रोकड़ है ये, और अधिकोष निष्पक्ष है और अप्राप्त आय, ये सब किस साइड आएंगे, अपने संपत्ति साइड आएंगे और वो अपन इस क्रम में मतलब जो किसी भी मतलब सवाल को अपन हल करेंगे तो आपको मतलब जो इससे क्रम में चिट्ठा बनाना होगा उसके इसका उसका प्रारूप इस तरीके से होगा। तो ये स्थिर क्रम के अनुसार चिट्ठे का क्या हो गया, प्रारूप हो गया। फिर व्यापार के अनेक प्रकार के जो व्यापार है उनमें अनेक प्रकार की संपत्तियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उन संपत्तियों में क्या होती है, स्थायी या अचल संपत्ति। स्थायी मतलब जो मतलब हमेशा स्थिर रहती है, स्थायी रूप से आने वाली संपत्ति स्थायी संपत्ति कहलाती है। क्रय विक्रय के उद्देश्य से इसका जो इसे पुनः मतलब जो क्रय पुनः विक्रय से उद्देश्य में नहीं किया जाता। यह स्थायी संपत्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। तो मूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इन संपत्तियों को क्या कहते हैं, मूर्त संपत्तियां कहते हैं। जैसे कि हस्त रोकड़ बैंक में रोकड़, विनियोग, मतलब जो बिल प्राप्त हुए, जो स्तन है वो आदि सब चीजें अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपन को स्पर्श भी कर सकते हैं। उसी प्रकार है अमूर्त संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो मूर्त स्वरूप की नहीं होती, मतलब ऐसी संपत्तियां जो मूर्त स्वरूप में नहीं होती, ऐसी संपत्तियों को अमूर्त संपत्ति कहते हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि महसूस भी कर सकते हैं कि संपत्तियां अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं, मतलब इसे हम देख नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, वह अमूर्त शक्ति कहलाती है। जैसे क्या अपन इसको देख नहीं सकते, है ना, तो ये अमूर्त संपत्ति। ऐसे ही चल संपत्तियां, वे संपत्तियां जिनका प्रयोग व्यापार में स्थायी रूप से किया जाता है, अर्थात जो पुनः विक्रय करने के लिए रोकड़ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से व्यापार में रखी जाती हैं, जिसे कहते हैं हस्त रोकड़, विनियोग और स्कन। ये सब क्या है, तो ये हो गई अपनी चल संपत्तियां। तो ये क्या हो गया, आपको व्यापार में अनेक प्रकार की जो संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है उन संपत्तियों को स्वभाव और उपयोगिता के आधार पर आप क्या कर सकते हो, उनको वर्गीकृत किया गया है। पहला स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति, दूसरा मतलब स्थायी संपत्ति और अचल संपत्ति की भी दो प्रकार, तो मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। उसके बाद दूसरा है आपका चल संपत्तियों, तो चल संपत्तियों। फिर है अवास्तविक संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिनका मूर्त या अर्थात रूप से प्रयोग, मतलब जो ऐसी संपत्तियां जिनको मूर्त अर्थात रूप में नहीं बल्कि अवास्तविक संपत्ति कहा जाता है। जो अवास्तविक संपत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, प्रारंभिक व्यय ले लो, लाभ हानि ले लो, विज्ञापन, इनमें मतलब नाम मात्र की संपत्ति कहते हैं। फिर है नाशवान संपत्ति, मतलब जो संपत्तियां नष्ट हो जाए उसे नाशवान संपत्तियां। नाशवान संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य उपयोग के साथ साथ कम हो जाता है, ऐसी संपत्तियों को क्या कहते हैं, जब अपन ने कोई वस्तु खरीदी और उसका उपयोग हुआ और उसका मूल्य खत्म, तो उसे क्या कहेंगे, नाशवान संपत्तियां कहेंगे। ऐसी संपत्तियां को मतलब उसमें खाने पीने मतलब खाने पट्टे बदलती संपत्तियां, जीवित पशु, ये सब क्या है, नाशवान, मतलब एक समय के बाद इनको आपकी उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर है संभव संपत्ति, संभव संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में व्यापार संपत्ति मतलब जो वर्तमान में आने वाली ऐसी संपत्तियां जो व्यापार की संपत्तियां नहीं है किंतु किसी घटना में घटित होने पर अथवा ना होने पर व्यापार की संपत्ति बन जाती है, उसे क्या कहते हैं,
संभव संपत्तियां कहते हैं। जैसे किसी मामले के निपटाने पर संपत्ति का प्राप्त होना आदि। तो ये आपने आपको संपत्ति के बारे में पढ़ा, पहले आपने तलपट और चिट्ठी के बारे में पढ़ा, फिर आपने चिट्ठी के कितने प्रारूप होते हैं, फिर आप एक प्रश्न समझ लीजिए इसको, संपत्ति किसे कहते हैं और संपत्तियों के कितने प्रकार होते हैं। तो संपत्ति कितने प्रकार की होती है, दो तीन प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति, उसके प्रकार होते हैं मूर्त और अमूर्त, और उसके बाद चल संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति, नाशवान संपत्ति और संभाव संपत्ति। तो ये संपत्ति के प्रकार आपने आज तलपट और चिट्ठे में अंतर पढ़ा, संपत्तियों के प्रकार पढ़े और आपने चिट्ठा बनाने का प्रारूप दिया।